फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड में टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लेयर को डुप्लीकेट करना है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+J। उसके बाद हमें अपने इमेज को, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, जो कि हम क्विक सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे इन्वर्स करना है। पर उससे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी सिलेक्ट करते हुए आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है तो आप ऑप्शन की को प्रेस करके उसको वापस से डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। यह हम अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। इसके बाद आगे आपको कंट्रोल शिफ्ट और आई को सिलेक्ट करके आपको इसे इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के बाद हम लेयर में जाकर ह्यू एंड सैचुरेशन का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस इमेज की जो सैचुरेशन है उसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लाके -100 पे, बिल्कुल जहां ख़त्म हो रही है वहां ले आएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको Ctrl+G प्रेस करके ग्रुप कर देना है, और ग्रुप करने के बाद ये जो हमारी इमेज अपेयर हो रही है, इस अपनी लेयर को हमें ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर देना है। और ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने उस टेक्सचर इमेज को लाना है जो कि हम अपने बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो है एक इमेज सेलेक्ट कर रखी है, जिसको मैं लेयर से ट्रिक एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आऊँगा। देन वी शॉर्टकट यूज़ करके मैं इसको सेलेक्ट से प्लेस करूँगा बैकग्राउंड पर, जितने स्पेस मुझे चाहिए। देन Ctrl+T सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा साइज़ का बड़ा कर लूँगा, और मुझे ये जस्ट पीछे बैकग्राउंड पर ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे ये इतने स्पेस पर ही चाहिए, तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर मोड में जाकर बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखिए, आपको डिपेंड करेगा पिक्चर टू पिक्चर, कोई पिक्चर आपकी मल्टीप्लाई पे बहुत अच्छी अपेयर होगी और कोई स्क्रीन पे बहुत अच्छी अपेयर होगी। इसी तरह अलग अलग पिक्चर्स के हिसाब से आपको जो भी टेक्सचर होगा वो आपको इसी के अंदर जाकर सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करके अलग अलग ऑप्शन से आपको ही देखना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे देखिए, ये अभी ऐसा अपेयर हो रही है, और यही हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा अपेयर हो रही है। इसके आगे भी हम इसको फर्दर और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ इफेक्ट्स में जाकर इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन लेयर और दिस लेयर के दो ऑप्शंस आ रहे हैं। इनसे आप अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा करके अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। तो जिस भी तरह का आपका डिज़ाइन होगा वो आप इन ऑप्शंस के थ्रू फर्दर इसको डिज़ाइन और शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इस वैल्यू पे थोड़ा सा सही लग रहा है, और आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग ये सारी सेटिंग्स करके अपने जो भी बैकग्राउंड है आपका उसको और एनहेंस कर सकते हैं, उसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये सब ट्राई करते हुए कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Have a good day.